महोबा से लगभग 160 किलोमीटर चलने के बाद अब हम आप पहुंचे हैं, नाम तो सुना ही होगा, बक्सवाहा। बक्सवाहा हम पहुंच चुके हैं, जिसके लिए लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहा था। अब हम बक्सवाहा पहुंचने के बाद देखेंगे वाकई यहां के जंगलों की स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं यहां के जंगलों की स्थिति। हीरा खनन से बक्सवाहा के अस्तित्व पर संकट, लाखों वृक्षों के नरसंहार की सरकार ने की तैयारी, दर्जनों गांव और वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट, देश भर में विरोध के बावजूद बक्सवाहा के वीरमपुरा में कंपनी ने लगाया बोर्ड। कहते हैं किसी भी राज्य में उसका मजबूत स्तंभ उस राज्य की खनिज और वन संपदा होती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का छतरपुर जिला पूरे देश में खनिज और वन संपदा से ख्याति प्राप्त है। देश दुनिया की दर्जनों कंपनियां कई दशकों से जिले में माइनिंग का कारोबार करती रही हैं, जो जिले की खनिज और वन संपदा को नष्ट करने पर उतारू है। जिले का ग्रेनाइट पत्थर पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। खनिज संपदा दोहन के बाद अब जिले के जंगलों को नष्ट करने का सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। सरकार के इस कदम से देश भर के पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी रोष दिखाई पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट का देश भर में विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया की प्रोफाइलें पटी पड़ी हैं। कहीं ना कहीं जन सरोकारों में कुछ व्यक्तियों के अंदर इसके क्रेडिट लेने की होड़ ने भी अंकुरण कर लिया है, जिससे बचने की आवश्यकता है। छतरपुर जिले का बक्सवाहा क्षेत्र दुनिया में चर्चा का केंद्र बन चुका है, जिसकी वजह है मध्य प्रदेश सरकार। विदेशी मूल की ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने गिद्ध नजर रखते हुए हीरा सर्वेक्षण के लिए वर्ष 2007 में जिले के बक्सवाहा क्षेत्र में डेरा डाला। सर्वे और प्रोसेसिंग लीज की आड़ में कई चरणों में 2016 तक कंपनी काम करती रही। अधिक वन क्षेत्रफल की मांग पूरी न होने के चलते वर्ष 2017 में कंपनी के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य बंद कर दिया गया। यह बक्सवाहा बंदर प्रोजेक्ट। सरकार ने 20 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में बंदर प्रोजेक्ट के तहत सर्वे शुरू किया। 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की, जिसे आदित्य बिरला ग्रुप के SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन की कंपनी द्वारा नीलामी के दौरान उच्चतम बोली 30.5 लगाकर प्राप्त किया। हीरा भंडार वाली 62.64 हेक्टेयर जमीन को मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया, लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा। कंपनी का तर्क है कि बाकी 205 हेक्टेयर जमीन पर उपयोग खदानों से निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ का निवेश करने जा रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हीरा बंदर प्रोजेक्ट में 34.20 मिलियन कैरेट भंडारण होने की संभावना है, जिसका अनुमानित मूल्य 55,000 करोड़ आंका गया है। मध्य प्रदेश शासन को इस प्रोजेक्ट से लीज अवधि में 16,000 करोड़ अतिरिक्त प्रीमियम के तहत प्राप्त होंगे। इसके अलावा 6,000 करोड़ रॉयल्टी के रूप में खनिज मद में प्राप्त होंगे। जमीन से हीरा निकालने के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने गिरती भी कर ली। जंगल में बेशकीमती सागौन, जामुन, हेड़ा, पीपल, तेंदू, महुआ समेत कई पेड़ हैं। एक नजर जिले के सरकारी वन क्षेत्रफल पर। बड़ा मलहरा 23,041.25 हेक्टेयर, बक्सवाहा 32,275.41 हेक्टेयर, बिजावर 31,525.71 हेक्टेयर, बाजना 29,142.78 हेक्टेयर, छतरपुर 18,728.12 हेक्टेयर, लवकुशनगर 12,955.66 हेक्टेयर, कुल वन क्षेत्रफल 14,700। कुल वन क्षेत्रफल 1,47,668.66। प्रोजेक्ट से ये गांव होंगे प्रभावित। इस बंदर प्रोजेक्ट से जहां वृक्षों को नष्ट किया जाएगा, तो दूसरी ओर यहां के करीब एक दर्जन गांव के रहवासी वनों पर ही आश्रित हैं। इन जंगल से तेंदुपत्ता, महुआ, चरवा, बेलपत्री, गाद आदि का लाभ लेते हैं, जो आदिवासियों की आजीविका का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे इतर भी इन जंगलों में सौगान, शीशम, पाकड़ आदि के घने जंगल हैं। प्रभावित होने वाले 15 गांव बक्सवाहा के विवादित हीरा उत्खनन प्रोजेक्ट के क्षेत्र के 15 गांव प्रभावित होने वाले हैं। इन गांव पर सरसरी नजर डालें तो ये गांव तैयामा, सहसपुरा, जरा, हरदुआ, हिदेपुर, हिनोता, टप्रियन,
सगौरिया, दरोनिया, वीरमपुरा, जगारा, मझौरा, निमानी, कसेरा, तिलई आदि आदिवासी जीवन से जुड़े गांव हीरा माइनिंग के चलते विनाश होने वाले जंगलों की जद में होंगे। कमोवेश के इन बेतवा लिंक मुद्दे पर भी पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन के 10 गांव विस्थापन की त्रासदी झेलेंगे। यहां भी 7 से 23 लाख पुराने पेड़ कटने हैं, लेकिन उससे पहले हाल फिलहाल बक्सवाहा के जंगलों पर विकास की गाज गिरनी है। बता दें, आदिवासी बाहुल्य गांव अत्यंत गरीब है। इनकी आजीविका का साधन ये बक्सवाहा के जंगल है। आदिमकाल से यहां बसर करते स्थानीय बाशिंदों में बड़ला ग्रुप और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रोजेक्ट की जानकारी मिलने पर अवसाद ग्रस्त भविष्य को लेकर चिंतित हैं। देखना ये होगा पन्ना टाइगर रिजर्व की तर्ज पर क्या बक्सवाहा के ये जंगल भी काल कलवित होकर इतिहास बन जाएंगे। क्या सरकार द्वारा नए पौधारोपण के दावे इन विशाल बुजुर्ग जंगलों को पुनः जीवन दे पाएंगे, या इनका भी हश्र नर्मदा किनारे 6 करोड़ पौधारोपण के भ्रष्टाचार और खजुराहो झांसी 4 लाइन हाईवे के मानिंद स्याह ही होना तय हो चुका है। जैसा कि सबसे पहले 3 मार्च को एक दैनिक भास्कर की कटिंग निकली थी, जहां 3,15,875 पेड़ कटने वाले हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन वास्तविक स्तर पर इससे कई गुने ज़्यादा पेड़ कटने वाले हैं। और इससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर, और कम से कम 30% जो आबादी बक्सवाहा स्वयं क्षेत्र शहरी क्षेत्र की, जो लोग उस पर निर्भर हैं, जैसे मग्गा, चरवा, गुली, ये प्रमुख वो संपदा है प्रकृति की जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। अब रही रोजगारों की बात, तो जो बिरला ग्रुप की साइड है, जो हम लोगों ने देखा है, करीब 400 रोजगार है वहाँ पर। अब 400 रोजगार में उन लोगों ने ये भी नहीं बताया कि स्थानीय लोगों को कितने रोजगार दिए जाएंगे। और वहीं दूसरे ओर हम जाएं तो करीब 20,000 परिवार जो जंगल पर निर्भर हैं, तो उन लोगों का क्या। कौन है बक्सवाहा हीरा खदान का ठेकेदार? छतरपुर के बक्सवाहा तहसील से जुजारू पत्रकार जागरूक युवा साथी राजू दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के जब इस बंदर प्रोजेक्ट को कुछ वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया की खाली सूची में दर्ज कंपनी रियो टिंटो को दिया, तब भी स्थानीय लोगों ने विरोध के स्वर उठाए। अलबत्ता स्थानीय मीडिया प्रबंधन और नेताओं की साठगांठ से यह खनन कंपनी काम करती रही। बड़े हिस्से में हीरा उत्खनन के बाद रियो टिंटो ने दफ्तर और तामझाम राज्य सरकार को हैंडओवर किया और वापस चली गई। पिछली शिवराज सिंह के कार्यकाल में एक बार फिर इस जंगल में हीरा खनन की योजना को पंख लगे और अन्य कंपनी के साथ बिरला ग्रुप और रियो टिंटो ने भी लीज टेंडर डाले। विदेशी कंपनी होने के चलते अब की बार मोदी की केंद्र सरकार ने यूपीए सत्ता जैसा काम नहीं किया और रियो टिंटो और केंद्र से सहमति और NOC प्राप्त नहीं हो पाई। अंत में ये बड़ा 382 हेक्टेयर का जंगल और प्रोजेक्ट आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हाथ लग गया। स्थानीय सगोरिया गांव के संरक्षित जंगल में 382 हेक्टेयर वन भूमि, वो भी 50 वर्ष के लिए लीज पर देने की प्रक्रिया का कार्य शिवराज सिंह की मौजूदा राज्य सरकार 2500 करोड़ के अनुमानित राजस्व लाभ पर कर चुकी है। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, हर वर्ष फोटो खिंचाओ कार्यक्रम होता है वृक्षारोपण। हमारे मुख्यमंत्री भी आए दिन फोटो खिंचाते हैं, वृक्षारोपण कीजिए। पिछली रियोटन कंपनी थी जो हमारे यहाँ पर, ये मंडी प्रांगण है, वहाँ पर कम से कम 27 लाख के वैसे वृक्षारोपण किया गया था। अगर आप वर्तमान में जाओ वहाँ पर देखें तो एक भी वृक्ष वर्तमान में मौजूद नहीं। सूत्र और स्थानीय पत्रकार राकेश रिछालिया बतलाते हैं कि 345 मीटर की गहराई से हीरा माइनिंग मटेरियल निकाला जाएगा। इसमें करीब 2,15,000 पुराने पेड़ काटने का प्रस्ताव है। इसी बात का विरोध लोग, स्थानीय युवा और सोशल मीडिया में अब ट्रेंड कर रहा है। हाँ मैं बक्सवा हूँ, हाँ मैं बक्सवा हूँ, लगातार सोशल मीडिया में कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं बक्सवा के जंगलों को लेकर। जब महोबा न्यूज टीम ने इस चीज को जानने की कोशिश की, तो आज हम यहाँ मौके पर आए हैं बक्सवा जो जकी जंगल है। इस जगह पर लगातार 2 बजे से लोग विरोध कर रहे थे। जानकारों के मुताबिक और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद हमें जानकारी मिली कि 5 से 7 साल पहले यहाँ पर एक कंपनी आई थी टोरंटो नाम की, जो माइनिंग के काम की, डायमंड से रिलेटेड काम के लिए लगाई गई थी। 7 वर्षों से काम करने के बाद आज जब इस
क्षेत्र की स्थिति देखी तो यहाँ पर आज भी विकास दर जीरो है, यानी कि अंडा अंडे के समान। इसलिए कहा है क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ पर लोगों को सिर्फ ठगा गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो क्षेत्रीय लोगों का विरोध करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अब दोबारा कोई अगर दूसरी कंपनी आएगी यहाँ कार्य करने के लिए तो उसकी क्या गारंटी है कि उनका विकास होगा कि नहीं। बाहरी लोगों की बात की जाए कि इस क्षेत्र से बाहर के जो लोग हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आपने देखा होगा इस आपदा भरे समय में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी है। उस समय पर यहाँ पर 215,000 से अधिक पेड़ जब काटे जाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति से खिलवाड़ होगा। इसके लिए देश भर से लोग सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, सेव द ट्री, सेव द अर्थ, सेव द बक्सवा। इस मुहिम के साथ में ये दोनों चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि लोग आखिरकार इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं। आज हम जब यहाँ पर आए हैं तो अब यहाँ के लोकल लोगों से भी मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई यहाँ की एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो चलिए हमारे साथ और हम उन लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अब जो पेड़ यहाँ पर कटने जा रहे हैं तो स्थानीय लोग किस तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनकी मुख्य मांगे क्या हैं? जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मुख्य मांगे ये हैं कि लगभग 15 गांव इस जंगल के आसपास रहें, उन 15 गांव का ये कहें कि हर परिवार का जो भी उनकी आय है वो इसी जंगल से है। ज़्यादातर लोग यहाँ आदिवासी ऐसे भी हैं जिनके पास आय का इनके अलावा कोई जरिया नहीं, उनके पास ना तो खेती है और ना आय का और कोई जरिया है, मतलब यहाँ कंपनी है ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। तो उनके लिए ये आप देख रहे होंगे महुआ है, पत्ती है, जो भी गुली या फिर जो भी चरवा जो भी निकलता है वन संपदा उसी से उनका काम चलता है। और लगभग एक एक परिवार एक एक, जब मैं यहाँ लोगों से कल बात कर रहा था तो बता रहे थे कि एक एक परिवार एक एक दो दो लाख रुपए इसी वन से उन्हें वन संपदा के रूप में मिलती है और उसी से उनका काम चलता है। देखिए आप यहाँ लोकल के रहवासी हैं, बक्सवा के रहवासी हैं और लगातार सोशल मीडिया पर चाहे वो बक्सवा क्षेत्र की बात हो, प्रदेश की बात हो, देश में लोग यहाँ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोकल आपको रहने के साथ में यहाँ का ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, तो आप हमें ये दर्शकों को ये बताइए कि आपको यहाँ जंगल चाहिए कि हीरा? नहीं, वो स्वाभाविक सी बात है कि लोग यहाँ कह रहे हैं कि जंगल चाहिए, सबसे पहला लोगों का यही है कि जंगल चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश कंपनियाँ यहाँ आती हैं और सरकार थोपती है तो फिर उनका ये भी है सोचना यहाँ के लोगों का कि फिर कम से कम एक परिवार को यहाँ 15 गांव में जितने भी परिवार हैं उनको रोजगार मिले, हर परिवार को। ये लोकल यहाँ के लोग हैं और सभी का ये कहना है कि उनको जंगल चाहिए। अगर किसी तरीके से कंपनी यहाँ पर आती है तो उनकी शर्तें हैं कि जो जितने भी 15 गांव के परिवार हैं उन सभी को नौकरी सुनिश्चित की जाए ताकि जो उनका पालन पोषण इस जंगल से चल रहा था वो उस नौकरी के जरिए वो अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें।